हमें जहाँ क्योंकि ये जमहूरियत बहुत ज़्यादा हमारे अंदर राजपाश की है और लोग कहते हैं कि हमारा हक है, हालांकि इसका हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि हमारी जो यूनिटी थी, जो हमारा इत्तेफाक व इत्तेहाद था, जो इज्जत एहतराम था, वो सब कुछ ख़त्म होकर रह गया इस जमहूरियत के हाथों। और पता नहीं हमारे होते हुए ये हालात बेहतर होंगे सियासी या नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह कौमी वतन पार्टी या इस जैसी और पार्टियां अपनी अपनी कोशिश में लगी हुई हैं और अल्लाह करे कि ये पार्टियां अपने रूट्स उसी तरह बनाए रखें, उसी तरह लोगों के साथ रवाबत रखी रखें ताकि कौम यूनाइट हो। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एबटाबाद के हवाले से कि एबटाबाद में ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जिस तरह जमान साहब ने बताया है कि बाईपासेस और यहाँ पे आप ज़्यादा लोग मैंने जो देखा है वो प्रॉपर्टी के लोग मैं देख रहा हूँ क्योंकि आपका ज़्यादा तल्लक प्रॉपर्टी से है। और मुझे समझ नहीं आती यहाँ पे ज़मीनों के रेट आप कैसे बढ़ा लेते हैं, और जब ज़मीनों के रेट बढ़ाते हैं समझ ही नहीं आती, सुबह रेट और होता है, शाम को रेट और हो जाता है। असी तला जुड़ने आ रहा जी, अपनी अपनी जुबान पर गल कर दें। मैं सारे तो पहले यूनियन तासीस के मौके पर कौमी वतन पार्टी ने दिली मुबारकबाद देना अपनी तरफों, अपने दोस्तों की तरफों, और दूसरा खास करके अहमद नवाज खाना में दाद दे सौ कि एबटाबाद शहर में जिन्हों की बड़ी तगोदो इस पार्टी एस्टैब्लिश करने के बारे साड़ी दिली तमन्ना भी है और साड़ा साथ ही इन्हां नाल इंशाल्लाह रहसी भी और आइंदा भी असी इन्हां नाल चल सौ। एबटाबाद के मसाइल से तो सदर साहब भी गल कर सटी, लाले होना भी गल कर सटी, वह तो गुना गु मसाइल हैं जोड़े साढ़े जो लोगों के बसे भी नहीं, लेकिन अपनी तो जो साढ़े को कोशिश हो सकती वो असं करने हमेशा तैयार रहने। कौमी वतन पार्टी और खास करके अहमद नवाज खान कि अज उन्होंने योम तासीस है और असी इन्हें अपने दिल्ली तरफों मुबारकबाद पेश करने हैं। इन्हें ही गलों ज़्यादा हूँ गल तो इतने जरूरत नहीं कि असी किसी मसाइल डिस्कस कर, लिहाजा मैं इस इजाजत चाह सहुत बहुत शुक्रिया जी।